चिल्फी घाटी, और चिल्फी घाटी में ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं सरोदा दादर। बहुत लोग इसका डिमांड कर रहे थे, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि ये रिजॉर्ट है कहाँ। तो भैया मैं ये बताना चाहूँगा कि रिजॉर्ट है सरोदा दादर में, ना कि चिल्फी घाटी में। और यहाँ आप आ सकते हैं, एक रिजॉर्ट है, आप यहाँ आ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं भाई लोग, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हेलो, कैसा लग रहा है यहाँ? एक बार विजिट करने के लायक है कि? कैसा? तो इस आप जो रुके हो आज रात रुके थे, तो कैसा लगा? मजा है, मजा आया ना। तो एक नाइट स्टे का कितना है? तो एक एक रूम में कितने लोग रह सकते? तो आप लोग कितने लोग थे? तो मतलब यानी कि पूरा का पूरा आप लोगों ने बुक किया था। ये एक बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं कि एक डे का यहाँ पर था 5,000 रुपये। तो एक रिजॉर्ट है, एक रिजॉर्ट वहाँ पर है, और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं वो करने के लिए, रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। एनटीआर के भाई है भैया। उधर देखो भैया कैसा लग रहा है? बहुत पीड़ा हो रहा है भैया, रोड का क्या बताओ भैया, ऐसा लग रहा है। भैया आपका जगह ले लिया, कैसा लग रहा है आपको? देखो अभी भी कुछ कुछ गाड़ियां हैं, उम्मीद है, उम्मीद से दुनिया कायम है। हम लोग आ गए हैं अभी ये पीठा घाट। अब पीठा घाट में देख रहे हो ये रास्ता, ये वाले रास्ते से अपने को जाना पड़ेगा। अब भैया लोग एक एक करके जाके दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये भैया पहले वाले भैया, ये देखिए बहुत स्ट्रगल है, खाने पीने का सामान ले जा रहा हूं। अरे बाप रे, कैसा लग रहा है? जाइए जाइए जी, अभी तो फुल मस्ती करके जा रहे हैं। यो रोला है। तो
यहाँ से फॉग निकल रहा है ना, यहाँ पे वो दफन हो गया है महल जहाँ आग जल रहा था। और जुमांजी के हीरो आ रहे हैं, ये जुमांजी हीरो है, देख रहा हूँ। अब सबसे मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है ये है वाच टावर, जिसको बोला जाता है वाच टावर। ये है वाच, दिख रहा है, समझ आ रहा है? और ये है टावर, ये है टावर, ये वाच, ये टावर। तो चलो सबके सब एक बार कूदेंगे, एक बार भैया आप भी कूदना। ठीक, अभी हमारे सबसे नीचे साइड पे होते साइड।